नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। हम लोग चास के इस समय के मेमोरियल अस्पताल में आए हैं और के मेमोरियल जो पूरे ज़िले में तमाम तरह की जो चिकित्सक सुविधाएं हैं उसको देने में अग्रणी भूमिका निभाता है। के मेमोरियल अस्पताल में तमाम तरह के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी विभाग के सभी चिकित्सक अपना सेवा देते हैं। आज के मेमोरियल अस्पताल में दंत चिकित्सा से जुड़ी हुई एक नया विभाग शुरू किया गया है, जिसको शुरू करने के लिए मैडम आई हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा है। मैंने BDS किया है UP से और MDS किया है मुंबई महाराष्ट्र से, इम्प्लांटोलॉजिस्ट और पेरियोडोंटिस्ट। मैडम, हम ही नहीं पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि दांत से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे आज के समय में ओरल कैंसर हो या पायरिया हो, इन सभी चीज़ों पर लोगों का ध्यान अब जाना शुरू हुआ है। तो कैसे लोग जानेंगे कि शुरुआत के दिनों में जो शुरुआती लक्षण होते हैं इन बीमारियों का, उसे कैसे डिटेन करें? अगर क्या परेशानी हो रही है, जो सिम्टम क्या होता है जिससे कि लोग आपके पास मिलने आए, इसके बारे में। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहती हूँ ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर मेनली होता है तंबाकू के इस्तेमाल से। तंबाकू किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, स्मोकलेस या स्मोक फ्री। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे दांत, मसूड़े और जो भी बक्कल म्यूकोजा है वो सब इन्वॉल्व होने लगता है और उसको वाइट लीजन से वो पहले शुरू होता है, फिर वो आगे चल के कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लोगों को ये बात आज की डेट में मालूम है कि तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं और डेंटिस्ट से नहीं मिलते हैं। डेंटिस्ट से मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो समय पर आके मिलें और अपना ओरल स्क्रीनिंग कराएँ तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि अभी मेरा जो स्टेज है वो प्री कैंसरस फॉर्म में है। फिर हमारे ट्रीटमेंट के ज़रिए वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर वो नहीं इस चीज़ को प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर वो ओरल कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण फिर हमारे पास भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बचता है ट्रीटमेंट का, सिवाय हमें वो पार्ट जो इन्वॉल्व है उसको काट के निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जो कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करता है। मतलब उसका और कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, हाँ वो प्रॉब्लम ही करेगा। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ पायरिया के बारे में। इंडिया में 95% लोगों के को ये बीमारी है पायरिया की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें दर्द नहीं होता है, जिसके कारण लोगों को लगता है चलो ठीक है कोई नहीं, मसूड़े से खून ही तो आ रहा है या फिर कोई नहीं हमारे मुँह से बदबू ही तो आ रहा है, क्या परेशानी है। ठीक है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि पायरिया जो है आज के डेट में इतनी सारी स्टडीज़ हो चुकी है जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटिस का वो 6th कॉम्प्लिकेशन बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको पायरिया की बीमारी होगी ही होगी, और अगर किसी को पायरिया है तो उसके और भी अलग अलग जो शरीर के ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, वो भी इन्वॉल्व होंगे, यहाँ तक कि ब्रेन। मतलब पायरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पायरिया है तो शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है पल रही हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये सारी बीमारियाँ छोटी नहीं है, बड़ी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे के आपको बताना चाहूँगी। स्टार्ट करते हैं, हार्ट इन्वॉल्व करता है वो, जिससे हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। दूसरा वो ब्रेन इन्वॉल्व करता है। तीसरा वो जो भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो करता है। चौथा जो सबसे बड़ी है, जो भी गर्भ लाइक प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको वो बहुत दिक्कत करता है, कभी कभी तो मिसकैरेजेस हो जाता है, प्री टर्म मतलब समय से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चा कम वेट का होता है, और भी कभी कभी प्री एक्लेम्सिया मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब उनका होता है तो उनकी बहुत हाई BP शूट हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में करता है। और भी जितने भी हो गए, जैसे डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, तो किडनी फंक्शन, किडनी का भी जो प्रॉब्लम है वो भी पायरिया कहीं ना कहीं उसको भी इन्वॉल्व करता है। मैडम, ये जो दोनों बीमारियाँ आपने बताया कि ओरल कैंसर, जो तंबाकू से, ये दोनों का डिटेन कैसे करें लोग, अगर है भी तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कब आप बैठती हैं और क्या इसका निराकरण है? देखिए, पायरिया का तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको ब्लीडिंग होता है या उनके मुंह से बदबू आता है या उनको कोई भी दूसरा लगता है कि मेरे दांतों में स्टेन जम गया है, और मुझे एक बार तो ज़रूर रेगुलर चेकअप के तौर से ही ज़रूर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, और डेंटिस्ट आपका लाइक ओरल स्क्रीनिंग करके आपको बताएंगे कि आपका किस स्टेज में है, क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि सारे अलग अलग ट्रीटमेंट होते, सबका सेम ट्रीटमेंट नहीं है।
तो ये तो डेंटिस्ट से मिलके पता चलेगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अभी हम लोग बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म में सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आपका स्टेज 1 से लेके किसी भी स्टेज का पायरिया है, अगर सिर्फ आपके दांत अभी शुरुआती स्टेज में हिलना शुरू हुआ है तो हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट है। अगर ज़्यादा हिल रहा है या आगे भी है तो उसका भी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ये होता है कि पायरिया के कारण जो मसूड़े हैं वो सूजते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है और जो अंदर की हड्डी है वो गलने लगती है। जब अंदर की हड्डी गलने लगती है तो ज़रूरी नहीं कि आपके दांत में कीड़ा लगा हो, पेन हो, तभी नहीं, वो बिना इन्फेक्शन के भी दांत हिलना शुरू हो जाता है और हम उसे भी बचा सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग होता है, वो सब करके हम दांतों को बचा सकते हैं और नेचुरल फॉर्म में उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठ रही हूँ 11 बजे से 1 बजे तक सुबह में और शाम को 5 से 6:30 बजे तक हर दिन। बाकी आप अपॉइंटमेंट लेके जब चाहें आ सकते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर अनुराधा मैडम की बातों को और ये अपनी सेवा अब दांत से किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम, जब जैसा कि आपने डॉक्टर मैडम से सुना कि अगर आपको इन सभी बीमारियों से बचना है और इस तरह की बीमारियां अगर लग रही हैं आपको कि अगर मैं इस परेशानी से घिर रहा हूं तो आप जरूर केएम मेमोरियल अस्पताल आए और डेली मैडम बैठती है, मैडम अनुराधा मैडम से आप अपना चेकअप कराएं और अपने दांतों की सुरक्षा और कम से कम जैसी बीमारियों के बारे में बताएं इन सभी चीजों से सुरक्षा कर सकती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, केएम मेमोरियल चास।